प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराधों को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। जहां पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने लगातार प्रदेश में हो रही हत्याओं से शिवराज सरकार का असली चेहरा उजागर होने की बात कही। देखिए ये खास रिपोर्ट। पिछले दिनों प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष और करनी सेना के अध्यक्ष की हुई हत्या के बाद अब कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। जहां पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब पूरे देश में एमपी अपराधों के मामले में नंबर वन हो गया है। अभी तीन दिन पहले एक कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष की हत्या हो गई। इससे पहले भी एक परिवार के साथी की छतरपुर में ही हत्या हुई थी, कांग्रेस परिवार के साथी की। अब भी इंद्र प्रताप सिंह परमार मध्य प्रदेश की परंपरा नहीं है ऐसी कि राजनीतिक पदों पे बैठे हुए लोगों की हत्याएं। ये भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी द्वेषतापूर्ण हत्याएं की रतलाम और कई जगह उदाहरण मिले, उनकी भी हम निंदा करते। करणी सेना का अध्यक्ष मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में शिवराज सिंह राजपूत, उनकी हत्या हो गई। ये सामाजिक सरोकार से काम करने वाले लोगों की हत्याएं होना इस सरकार के असली चेहरे को उजागर करता है। मैं मानता हूं कि मेरे प्रश्नों के, कांग्रेस के विधायकों के प्रश्नों के, विधायकों के, कांग्रेस और बीजेपी सबके विधायकों के प्रश्नों से जो बातें सामने आई वो डराने वाली है। देश में नंबर वन मध्य प्रदेश अपराध में, देश में नंबर वन। पहले हम बिहार की, यूपी की, पश्चिम बंगाल की, आसाम की ये बातें होती थी, वो सब समाप्त हो गई, हम सबसे ऊपर आ गए। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर भी कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा और क्या कहा जरा आप खुद ही सुनिए। कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अक्षम है इस महामारी से निपटने के लिए। उन्होंने कल जब कोविड को लेकर चर्चाएं कर रहे थे तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अचानक बड़े जो केस है उनकी वजह टेस्टिंग की कमी, मध्य प्रदेश सरकार को कहा कि आप नहीं कर पाए, अक्षम हो, और टीके की कमी। दोनों बातें देश के प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के विज्ञापन वाले मुख्यमंत्री को कहा। 10 फरवरी के बाद 259% केस बढ़े हैं, लेकिन उस तुलना में टेस्ट की जो टेस्ट होता है इस बीमारी के वो 2% ही हो रहा है। मतलब अपने आप में ये बताता है गंभीरता को, मुख्यमंत्री और सरकार की गंभीरता को। कई शहरों में तो 500% मरीज इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, इसमें लगभग बड़ी तादाद में संक्रमण दिख रहा है। सरकार ने गाइडलाइन जारी की, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, 4.7% मरीजों के, या आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कि दर से मरीज बढ़ रहे हैं, हम कंट्रोल कर लेंगे। पर मध्य प्रदेश की सरकार के डिपार्टमेंट का आंकड़ा अलग आया, उसी दिन, एक ही दिन, एक सरकार के विभाग का आंकड़ा और एक मुख्यमंत्री के ट्वीट का आंकड़ा, दोनों अलग अलग और अलग अलग 1% का लगभग। यह बताता है कि मुख्यमंत्री भी सिर्फ विज्ञापन, भाषण और संवेदनाओं के साथ खेलना चाहते हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात तो ये होगी कि लगातार बढ़ते अपराध और कोरोना संक्रमण को लेकर कांग्रेस के निशाना साधने के बाद अब प्रदेश की शिवराज सरकार क्या कुछ ठोस कदम उठाती नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।